Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the another lecture of classical mechanics in which we will discuss about Lagrange's equation of motion. In earlier lecture, we have discussed about Lagrange's equation of motion of first kind. Now, Lagrange's equation of second kind, which is also known as Lagrange's equation of motion. तो इससे पहले के हमारे लेक्चर में हमने Lagrange's equation of motion of first kind के बारे में स्टडी की थी. यहां पर हम Lagrange's equation of motion of second kind के बारे में स्टडी करेंगे. एंड Lagrange's equation of motion of second kind is also known as Lagrange's equation of motion. In this lecture, we will discuss about Lagrange's equation of motion and the properties of kinetic energy function. तो आज के हमारे लेक्चर में हम Lagrange's equation of motion and properties of काइनेटिक एनर्जी फंक्शन के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे या डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज एक्चुअली द Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सेकेंड काइंड. तो Lagrange's इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सेकेंड काइंड हम ले रहे हैं जो कि Lagrange's equation of motion भी कहलाता है. So Lagrange's equation of motion और Lagrange's equation of motion of the second kind. Let a system be rheonomic and holonomic, having n particles and k holonomic constraint. तो यहां पर हम एक n पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं. यह सिस्टम रियोनोमिक एंड होलोनोमिक है और इसमें k होलोनोमिक कंस्टेंट्स हैं. सो द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस सिस्टम इज 3n-k. हियर n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स whereas k is the holonomic constraint. तो इस सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-k होगा. लेट n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर q1 q2 q3 अप टू qn. तो ये जो सिस्टम हमने लिया है इस सिस्टम के n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हमारे q1, q2, q3, qn हैं. Therefore, the Cartesian coordinates are, Cartesian coordinates means x1, x2, x3 की वैल्यू निकालनी है. Since there are n particles of this system, so there will be 3n Cartesian coordinate. And ये Cartesian coordinate क्या होंगे? x1 which is function of q and t, x2 this is also function of q1, q2, qn and t. In the same way, if we find the ith Cartesian coordinate, then it will be xi, and xi will be the function of q1, q2, qn and t. So first Cartesian coordinate हमारा x1 है, which is function of q and t. Second Cartesian coordinate is x2, which is also function of q and t. In the same way, ith Cartesian coordinate या ivth Cartesian coordinate हमारा xi होगा, which is also the function of q and t. So सारे Cartesian coordinate q and t के function होंगे या position and time के function होंगे. Now, the nth Cartesian coordinate will be x3n
एंड इट विल बी ऑल्सो द फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम। तो इस टाइप से कोई भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे तो वो हमारे पोजिशन एंड टाइम के फंक्शन होंगे, क्यू एंड टाइम के फंक्शन होंगे। देयरफॉर कार्टेशियन वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर, अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमको पता है तो कार्टेशियन वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड एक्स आई हमारा फंक्शन ऑफ क्यू एंड टी था। तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मींस टाइम डेरिवेटिव अगर लें तो हमको कार्टेशियन वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेंगे। सो एक्स आई डॉट इज इक्वल टू डी एक्स आई बाई डी टी। सो इस एक्स आई का हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। सो एक्स आई डॉट क्या आएगा, डेल एक्स आई अपॉन डेल टी प्लस सिग्मा जे इक्वल टू वन टू एन डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट, क्योंकि जे की वैल्यू हमारी वन से लेके एन तक चेंज हो रही है, इसलिए यहां पर हमने सिग्मा जे इक्वल टू वन टू एन लगाया है। सो दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ आयत कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सो आयत कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कॉरेस्पॉन्डिंग कार्टेशियन वेलोसिटी हमारी एक्स आई डॉट होगी, जो कि हम इस फॉर्मूले से देंगे। नाउ इफ वी डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट तो क्या आएगा, डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे, क्योंकि ये हमारा क्यू जे डॉट का फंक्शन नहीं है इसलिए इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, जबकि ये हमारा कॉन्स्टेंट होगा और क्यू जे डॉट का क्यू जे डॉट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल वन होगा। सो डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे। ऑल्सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे। अब एक्स आई हमको पता है, अगर हम पहले इसका पोजिशन के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करें और उसके बाद में टाइम के रेस्पेक्ट में टोटल डिफरेंशियल करें तो वो क्या आएगा, डेल बाई डेल टी ऑफ डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे प्लस डेल अपॉन डेल एक्स आई इंटू डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इंटू क्यू आई डॉट। तो पहले हमने डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशियल किया है एंड फिर विथ रेस्पेक्ट टू पोजिशन डिफरेंशियल किया है, और क्योंकि एक्चुअल में हमको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना था इसलिए फर्दर क्यू आई का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो क्यू आई डॉट आएगा। अब यहां पर हम ऑलरेडी क्यू जे ले चुके थे इसलिए यहां पर हमने क्यू आई लिया है, एंड यहां से अगर हम डेल बाई डेल क्यू जे बाहर ले लें तो ये क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल क्यू जे ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल टी प्लस डेल एक्स आई बाई डेल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट। इट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे विल बी इक्वल टू डेल बाई डेल क्यू जे ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल टी प्लस डेल एक्स आई बाई डेल क्यू आई इंटू क्यू आई डॉट, एंड ये हमारा इस इक्वेशन से एक्स आई डॉट है तो इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से रख दें। सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे क्या आ जाएगा, डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे और डेल बाई डेल क्यू जे ऑफ एक्स आई डॉट। इट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इज इक्वल टू डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे, तो हमको ये इक्वेशन मिल गई है। नाउ एक इक्वेशन हमारे पास में ये थी, डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट इज इक्वल टू डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे, एंड एक इक्वेशन हमारे पास में आई है
d by dt of del xi upon del qj is equal to del xi dot upon del qj. These two equations are valid for both rheonomic and sclerotomic system, that is, irrespective of whether xi depends explicitly on time or not. तो हमारे पास में ये जो दो इक्वेशन आई है, these two equations are valid for both rheonomic and sclerotomic system. तो rheonomic and sclerotomic system दोनों के लिए ये इक्वेशन वैलिड है. इट मीन्स xi चाहे तो आपका टाइम डिपेंडेंट हो या टाइम इंडिपेंडेंट हो, ये इक्वेशन हमारी वैलिड होगी. इट मीन्स चाहे xi हमारा टाइम पर डिपेंड करे या टाइम पर डिपेंड नहीं करे, ये दोनों इक्वेशन हमारी वैलिड होंगी. एनी इंफिनिटेसिमल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट. अब हम इंफिनिटेसिमल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमारा डेल्टा एक्स आई था. तो अगर एक्स आई में वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो हमारा डेल्टा एक्स आई होता है. सो एनी इंफिनिटेसिमल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू डी एक्स आई एट डी टी इक्वल टू जीरो. और ये क्या जाएगा डेफिनेशन से, डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे. नाउ डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल फॉर दिस सिस्टम. सो अगर हम इस सिस्टम के लिए डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल लिखें तो वो क्या आएगा, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल हमारा था एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू माइनस एफ आई अप्लाइड डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू जीरो. नाउ ये डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल है जो अभी हमने शो किया था. हियर फर्स्ट टर्म मीन्स एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल्टा एक्स आई. तो अगर हम इस इक्वेशन की फर्स्ट टर्म लें तो वो क्या आएगी, एंड डेल्टा एक्स आई इज इन्फाइनिटेसिमल स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट विच इज डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे. तो इस डेल्टा एक्स आई को हम इससे रिप्लेस कर दें, सो फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाएगी, एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू, ये टर्म एज इट इज. अब डेल्टा एक्स आई को हम डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे लिख रहे हैं. सो डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे. सिंस डी बाई डी टी ऑफ एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे. तो अगर हम एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे का टाइम डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा, एम आई हमारा कॉन्स्टेंट. पहले हम डी एक्स आई बाई डी टी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं और डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे को हम एज इट इज छोड़ देते हैं. एंड देन एम आई ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, डी एक्स आई बाई डी टी को हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं एंड डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे का हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं. इट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इज इक्वल टू एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू, ये हमारा एज इट इज. सो डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे प्लस एम आई डी एक्स आई बाई डी टी एज इट इज. और अब हम डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे का विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशियल करेंगे. सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे. और यहां से हम एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे की वैल्यू निकाले तो वो क्या आएगी, एम आई डी टू एक्स आई अपॉन डी टी टू डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे माइनस एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे. मीन्स इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो ये फैक्टर हमारा लेफ्ट में ट्रांसफर हो जाएगा. सो
ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। नाउ एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे की वैल्यू हमको ये मिली है, तो ये वैल्यू हम इसकी जगह रख दें। सो एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल्टा एक्स आई क्या जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे माइनस एम आई डी एक्स आई बाई डी टी डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। तो फर्स्ट टर्म हमको ये मिल गई है। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। नाउ डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई विल बी एक्स आई डॉट, सो इसकी जगह हम एक्स आई डॉट लिख देते हैं एंड डी एक्स आई बाई डी टी हमारा एक्स आई डॉट हो गया, तो यहां पे भी हमने एक्स आई डॉट लिख दिया है। सो एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू इंटू डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम आई एक्स आई डॉट डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे माइनस एम आई एक्स आई डॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे। बट डेल एक्स आई डॉट बाई डेल क्यू जे डॉट इज इक्वल टू डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे, सो डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे की जगह हम डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट लिख देते हैं। ऑल्सो डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे, तो इसकी जगह आप डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे लिखो, तो ये वैल्यू तो हमारी डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट होगी और ये वैल्यू हमारी डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे होगी। इट मीन्स एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल्टा एक्स आई विल बी डी बाई डी टी ऑफ एम आई एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट इंटू डेल्टा क्यू जे, क्योंकि इसकी जगह हमने ये लिखा है एंड माइनस एम आई एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे, क्योंकि डी बाई डी टी ऑफ डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे हमारा डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे है। नाउ ये हमारा क्या हो जाएगा डी बाई डी टी एज इट इज एंड एम आई एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट को हम डेल बाई डेल क्यू जे डॉट ऑफ हाफ एम आई एक्स आई डॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको ओपन करोगे तो हाफ कॉन्स्टेंट एम आई भी कॉन्स्टेंट एंड एक्स आई डॉट स्क्वायर का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू क्यू जे डॉट क्या आएगा टू एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट, और टू एक्स आई डॉट से जो टू आया था वो टू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अगर इसको हम ओपन करें तो वापस हमको एम आई एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे डॉट मिलता है, इसलिए इसको हमने डेल बाई डेल क्यू जे डॉट ऑफ हाफ एम आई एक्स आई डॉट स्क्वायर लिख दिया है एंड डेल्टा क्यू जे एज इट इज माइनस। अब अगर इसकी बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं डेल बाई डेल क्यू जे ऑफ हाफ एम आई एक्स आई डॉट स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करोगे तो हाफ हमारा कॉन्स्टेंट एम आई भी कॉन्स्टेंट एक्स आई डॉट स्क्वायर का क्यू जे के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशियल करोगे तो वो क्या आएगा ट्वाइस एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे एंड एक्स आई डॉट स्क्वायर से जो ट्वाइस एक्स आई आया था वो टू इससे कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ये जो वैल्यू है डेल बाई डेल क्यू जे ऑफ हाफ एम आई एक्स आई डॉट स्क्वायर, ये हमारे एक्चुअल में एम आई एक्स आई डॉट डेल एक्स आई डॉट अपॉन डेल क्यू जे ही है, तो इसको हमने ये लिख दिया है एंड डेल्टा क्यू जे हमारा एज इट इज। नाउ ये क्वेश्चन अभी हमने निकाली है। लेट टी इक्वल टू हाफ एम आई एक्स आई डॉट स्क्वायर एंड दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर होती है एंड वी इक्वल टू एक्साइ डॉट, इट मीन्स हाफ एम आई एक्साइ डॉट स्क्वायर इज एक्चुअली द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय टी। तो इसको हम टी लिख देते हैं और ये भी हमारा टी हो जाएगा। इट मीन्स एम आई डी टू एक्साइ बाई डी टी टू डेल्टा एक्साइ क्या जाएगा d by dt of del t by del qj dot, क्योंकि ये हमारा कैपिटल T हो गया, माइनस del t by del qj क्योंकि ये हमारा T है एंड डेल्टा qj हमने दोनों से कॉमन ले लिया है, सो इंटू डेल्टा qj। सो फर्स्ट टर्म ऑफ डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल इज एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल्टा एक्स आई एंड दिस विल बी इक्वल टू d by dt of del t by del qj dot minus del t by del qj into delta qj। Now ये हमारा डीएलएमबर्ट प्रिंसिपल था। अब हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं। सेकेंड टर्म मीन्स माइनस एफ आई अप्लाइड इंटू डेल्टा एक्स आई। सो सेकेंड टर्म इज माइनस एफ आई अप्लाइड डेल्टा एक्स आई एंड डेल्टा एक्स आई इज इनफाइनिटेसिमल स्मॉल वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस विल बी एक्चुअली डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे इंटू डेल्टा क्यूजे। सो डेल्टा एक्स आई को हम ये लिख देते हैं। सो सेकेंड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, माइनस एफ आई अप्लाइड डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यूजे इंटू डेल्टा क्यूजे। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है, यही हमारी सेकेंड टर्म है। अब एफ आई अप्लाइड डेल एक्स आई बाई डेल क्यूजे को हम क्यूजे लिख सकते हैं। इट मीन्स ये हमारी टर्म क्या हो गई, माइनस एफ आई अप्लाइड डेल्टा एक्स आई इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू जे डेल्टा क्यू जे। हियर कैपिटल क्यू जे इज एफ आई अप्लाइड डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे एंड दिस इज नोन एज जेथ कंपोनेंट ऑफ द जनरलाइज्ड फोर्स। तो जनरलाइज्ड फोर्स का जेथ कंपोनेंट हमारा ये होगा जिसको हमने कैपिटल क्यू जे लिखा है। If QJ is angle, then capital QJ will be the torque corresponding to the angle QJ. So, अगर QJ हमारा angle है, it means angular motion की बात कर रहे हैं। So, अगर coordinate हमारा या position coordinate हमारा angle है, so capital QJ हमारा torque होगा जो कि इस angle के corresponding होगा। So if QJ is angle, then capital QJ will be the torque corresponding to the angle QJ. So angle QJ के corresponding torque हमारा capital QJ है। Now ये हमारा डीएलएमबर्ट principle था। First term हमने ये निकाली थी and second term हमारी ये है। So अगर minus Fi applied delta Xi की जगह हम माइनस कैपिटल क्यू जे डेल्टा क्यू जे लिखें एंड एम आई डी टू एक्स आई बाई डी टी टू डेल्टा एक्स आई की जगह डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू जे इंटू डेल्टा क्यू जे लिखें। मीन्स इससे और इससे वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रखें तो क्या हमको मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू जे माइनस कैपिटल क्यू जे डेल्टा क्यू जे इक्वल टू जीरो। सो ये इक्वेशन हमको मिल गई है। नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। सिंस क्यू जे इज कोऑर्डिनेट एंड दिस कोऑर्डिनेट आर इंडिपेंडेंट देन ऑल डेल्टा क्यू जेस कैन बी आर्बिट्ररी। सो क्यूजे कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट है,
So अगर QJ independent है, it means all delta QJs can be arbitrary. तो जितने भी delta QJ होंगे वो हमारे arbitrary होंगे, means zero नहीं होंगे. और हमने कहा है कि ये total value zero है. So अगर ये zero नहीं है, it means जो remaining quantity है, that is d by dt of del t by del QJ dot minus del t by del QJ minus capital QJ will be equal to zero. Therefore, above equality holds good if and only if the individual coefficient of each delta QJ is separately zero. So, ये equation हमारी केवल उसी condition में satisfy होगी, उसी condition में valid होगी. अगर हम delta QJ के coefficient लें और हर individual coefficient हमारे separately zero हो, and delta QJ का coefficient हमारा ये है, it means ये value हमारी zero होनी चाहिए. So d by dt of del t by del QJ dot minus del t by del QJ is equal to capital QJ. And this equation is known as Lagrange's equation of motion of the second kind. ये जो equation आपको मिली है, this equation is Lagrange's equation of motion of the second kind. Here, generalized velocity is, इस equation के अंदर generalized velocity क्या है? QJ dot. So QJ dot is generalized velocity, QJ is generalized coordinate, and ये जो equation है, this equation is Lagrange's equation of motion of the second kind. Now, properties of kinetic energy function. So kinetic energy function की अगर हम property के बारे में discuss करें, तो हमें क्या मिलेगा? Properties of kinetic energy function. Let kinetic energy of rheonomic system be T equal to half mi xi dot square. So हम कोई rheonomic system ले रहे हैं, and उस rheonomic system की kinetic energy हमारी T है, and T equal to half mi xi dot square. And the Cartesian coordinates are xi, which is function of q and t. So Cartesian coordinate हमारा xi है, and xi is actually the function of q and t. Q means q1, q2 up to qn, and t हमारा time है. तो position and time का function हमारा Cartesian coordinate है. And Cartesian velocity अगर निकालनी है, so इस xi का आप differential करो with respect to time. So xi dot equal to del xi upon del t plus del xi upon del qj into qj dot. So Cartesian velocity या velocity की value हमको xi dot मिली है, जो कि हमारी ये है. Now इस xi dot की value आप यहाँ पर रखो. So kinetic energy of rheonomic system will be half mi del xi upon del t plus del xi upon del qj into delta qj dot whole square. तो इस xi dot की जगह हमने ये value रखी है. अब whole square को open करें. So पहले इसके लिए square होगा, फिर twice ab आएगा, फिर इसके लिए square होगा. So capital T equal to half mi del xi upon del t whole square plus half mi as it is into twice of del xi by del t into del xi upon del qj into qj dot. So जो 2 आया था वो 2 इस 2 से cancel हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? Plus mi del xi by del t into del xi by del qj into qj dot plus half mi. अब ये वाली टर्म बची हुई है, तो इसका भी स्क्वायर करें तो हमको क्या मिलेगा? डेल एक्सआई अपॉन डेल क्यूजे इनटू क्यूजे डॉट इनटू डेल एक्सआई बाय डेल क्यूएल इनटू क्यूएल डॉट.
क्योंकि जे हमारा ऑलरेडी आ गया था, इसलिए सेकंड टाइम हमने एल लिया है। सो टी इक्वल टू दिस वन, एंड इफ वी डिनोट दिस टर्म बाय टी नॉट, दिस टर्म बाय टी वन एंड दिस होल टर्म बाय टी टू। सो अगर इसको टी नॉट लिखे, इसको टी वन लिखे और इसको टी टू लिखे, सो टी इक्वल टू टी नॉट प्लस टी वन प्लस टी टू। हियर टी नॉट इज हाफ एम आई डेल एक्स आई अपॉन डेल टी होल स्क्वायर, जिसको हमने ए नॉट लिखा है। टी वन इक्वल टू एम आई डेल एक्स आई बाई डेल टी इंटू डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे इंटू क्यू जे नॉट। तो ये जो टर्म है एम आई डेल एक्स आई बाई डेल टी इंटू डेल एक्स आई अपॉन डेल क्यू जे, इसको हमने ए जे लिख दिया है एंड क्यू जे नॉट एज इट इज। सो सेकेंड टर्म को हम टी वन लिख सकते हैं। हियर ए जे इक्वल टू एम आई डेल एक्स आई बाई डेल टी इंटू डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे, से ये हमारा पूरा ए जे है। एंड टी टू इक्वल टू हाफ एम आई डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इंटू क्यू जे डॉट डेल एक्स आई बाई डेल क्यू एल इंटू क्यू एल डॉट। नाउ एम आई डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इंटू डेल एक्स आई बाई डेल क्यू एल, इसको हम ए जे एल लिखते हैं। सो टी टू क्या जाएगा हाफ ए जे एल क्यू जे डॉट इंटू क्यू एल डॉट। सो टी टू की वैल्यू हमको ये मिल गई है। हियर ए जे एल इक्वल टू एम आई डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इंटू डेल एक्स आई बाई डेल क्यू एल। सो ये टर्म इंटू ये टर्म हमारी ए जे एल हो गई है। सो टी टू हमारा क्या हो गया हाफ ए जे एल क्यू जे डॉट क्यू एल डॉट। सो टी इक्वल टू ए डॉट प्लस ए जे क्यू जे डॉट प्लस हाफ ए जे एल क्यू जे डॉट क्यू एल डॉट। सो ये पूरा हमारा टी आ गया है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ गई है। नाउ फॉर स्क्लेरोनॉमिक सिस्टम एक्स आई डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। सो अगर हम स्क्लेरोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो स्क्लेरोनॉमिक सिस्टम में एक्स आई हमारा टाइम इंडिपेंडेंट होता है या टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, और टाइम डिपेंडेंट अगर नहीं है इट मींस अगर आप टी नॉट निकालोगे तो ये वैल्यू हमारी जीरो, सो टी नॉट इक्वल टू जीरो। टी वन निकालोगे सो ये वैल्यू हमारी जीरो, इट मींस टी वन इक्वल टू जीरो। एंड टी हमारा क्या था टी नॉट इक्वल टू टी वन इक्वल टू जीरो आ गया है, एंड टी हमारा था टी नॉट प्लस टी वन प्लस टी टू। सो टी नॉट भी हमारा जीरो, टी वन भी हमारा जीरो, इट मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू टी टू। सो टी इक्वल टू टी टू। सो फॉर स्क्लेरोनॉमिक सिस्टम द टोटल काइनेटिक एनर्जी टी विल बी टी टू, एंड टी टू इज एक्चुअली हाफ एम आई डेल एक्स आई बाई डेल क्यू जे इंटू डेल एक्स आई बाई डेल क्यू एल क्यू जे डॉट क्यू एल डॉट। और टी टू इक्वल टू हाफ ए जे एल क्यू जे डॉट क्यू एल डॉट वेयर ए जे एल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सिंस लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन इज डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू जे इज इक्वल टू क्यू जे। अब लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी ये थी, एंड कैपिटल टी इज टोटल काइनेटिक एनर्जी विच इज एक्चुअली टी नॉट प्लस टी वन प्लस टी टू। तो टी यहां पर हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम है जो टी नॉट प्लस टी वन प्लस टी टू होगा। इट मींस अगर इस टी को हम टी नॉट प्लस टी वन प्लस टी टू से रिप्लेस करें तो ये क्वेश्चन हमारी क्या हो जाएगी डी बाई डी टी ऑफ डेल बाई डेल क्यू जे डॉट ऑफ टी नॉट प्लस टी वन प्लस टी टू माइनस डेल बाई डेल क्यू जे ऑफ टी नॉट प्लस टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू क्यू जे। देयरफोर लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन आर सेकेंड ऑर्डर लीनियर कपल्ड
differential equation in QJ, provided capital QJs are not explicitly function of small QJs. So, Lagrange's equation of motion हमारी second order linear coupled differential equation है small QJ में. Condition ये है कि capital QJs are not explicit function of small QJs. Capital QJ हमारा small QJ का explicit function नहीं होना चाहिए. Now, first point. If capital QJ is the function of position and time, अगर capital QJ हमारा position and time का function है, it means capital QJ is the function of Q1, Q2, Qn, and T. In this case, ordinary potential energy function V, which is function of position and time, exists. So, अगर capital QJ हमारा पोजिशन एंड टाइम का फंक्शन है, क्यू एंड टी का फंक्शन है, तो इस केस में ऑर्डिनरी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हमारा एग्जिस्ट करेगा. एंड ऑर्डिनरी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हमारा वी होता है, एंड वी विल बी फंक्शन ऑफ पोजिशन एंड टाइम, एंड इट विल एग्जिस्ट हियर ऑल्सो. कैपिटल क्यू जे इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल क्यू जे. सो कैपिटल क्यू जे हमारा माइनस डेल वी बाई डेल क्यू जे होगा, एंड वी हमारा ऑर्डिनरी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है. हियर जे इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन, सो जे की वैल्यू वन टू थ्री अप टू एन है. नाउ लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड काइंड और लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा ये था. अब यहां पर कैपिटल क्यू जे की जगह आप माइनस डेल वी बाई डेल क्यू जे रखो. सो जैसे ही आप यहां पर माइनस डेल वी बाई डेल क्यू जे रखोगे, ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी और हमको क्या मिलेगा, डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल टी बाई डेल क्यू जे प्लस डेल वी बाई डेल क्यू जे इज इक्वल टू जीरो. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शन को साथ में ले लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी हमारी वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है. डी इज द फंक्शन ऑफ ओनली पोजिशन एंड टाइम, इट मीन्स डेल वी बाई डेल क्यू जे डॉट की वैल्यू जीरो होती है. सो हम क्या करते हैं, इस टी की जगह हम टी माइनस वी लिख देते हैं और यहां पर जो जे है वो वन टू थ्री अप टू एन होगा. सो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, डी बाई डी टी ऑफ डेल बाई डेल क्यू जे डॉट ऑफ टी माइनस वी, क्योंकि वी हमारा पोजिशन एंड टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी का फंक्शन नहीं है, मीन्स क्यू जे डॉट का फंक्शन नहीं है. सो डेल वी बाई डेल क्यू जे डॉट हमारा जीरो होता है, इसलिए इस टी को मैंने टी माइनस वी लिख दिया है. और इन दोनों को अगर साथ में लें, सो माइनस डेल बाई डेल क्यू जे ऑफ टी माइनस वी इज इक्वल टू जीरो. और इस टी माइनस वी को हम एल लिख देते हैं. So, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू जे डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू जे इज इक्वल टू जीरो. सो ये इक्वेशन हमको मिल गई है. हियर एल इज टी माइनस वी, यहां एल टी माइनस वी है, टी इज टोटल काइनेटिक एनर्जी वेयर एज वी इज पोटेंशियल एनर्जी एंड जे is running from 1 to n. Now, ये equation अभी हमने निकाली थी, d by dt of del l upon del qj dot minus del l upon del qj is equal to 0. Here j is running from 1 to n. Also l equal to t minus v. तो ये अभी हमने equation निकाली है. Here L is the function of Q and Q dot, or L is the function of Q1, Q2 up to Qn, Q1 dot, Q2 dot up to Qn dot. It means L is the function of position and velocity. तो यहां पर L हमारा position and velocity का function है या Q and Q dot का function है. It is
actually the Lagrangian of the system and the n equations are called the Euler-Lagrangian equation of motion. See, ये जो L है, this L is actually the Lagrangian of the system. और यहां से जब को n equations of motion मिल रही हैं, these equations are known as Euler-Lagrangian equation of motion. These are a system of second order coupled linear differential equation in QJ. तो ये जो हमारी equations हैं, या ये जो system है, this is the system of second order coupled linear differential equation in QJ. Second case, if velocity dependent potential is there, so अगर potential हमारा velocity dependent है, it means capital QJ is the function of position, velocity and time. तो capital QJ हमारा Q, Q dot and T का function है. It means potential is velocity dependent potential. And QJs are derivable from a potential energy function U. तो capital QJ जो है, वो हमारा potential energy function U का derivable है. Means इसके differential से हम capital QJ निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. It means U will be the function of position, velocity and time. तो U भी हमारा Q, Q dot and T का function होगा, या position, velocity and time का function होगा. Here U is generalized potential energy function. तो ये जो U आया है, this is generalized potential energy function. Now, Lagrange's equation हमारी ये थी. अब capital QJ को हम U के terms में लिख देते हैं, तो ये equation हमारी क्या हो जाएगी? D by dt of del T by del QJ dot minus del T by del QJ is equal to D by dt of del U by del QJ dot minus del U by del QJ. अब इस पूरे को हम left में ले लें. So, इस portion को और इस portion को साथ में ले लो, और इस portion को और इस portion को साथ में ले लो. तो ये equation हमारी क्या हो जाएगी? D by dt of del by del QJ dot T minus U minus del by del QJ of T minus U is equal to 0. And J is running from 1 to N. और ये जो T minus U है, इसको भी हम L लिख देते हैं. So J is running from 1 to N. अब equation हमने ये निकाली थी. Now let L equal to T minus U. तो ये जो T minus U है, इसकी जगह आप L रख दो. तो जैसे T minus U को हम L लिखेंगे, ये equation हमारी change होके क्या हो जाएगी? D by dt of del L upon del QJ dot minus del L by del QJ is equal to 0. Here J is running from 1 to N. This L is also known as Lagrangian of the system. तो इस equation के अंदर ये जो L है, this is also the Lagrangian of the system. It means अगर potential हमारा velocity dependent है, तो Lagrangian equation of motion जो हम निकाल रहे हैं, उसके अंदर जो L होगा, वो T minus U होगा. और अगर potential velocity dependent नहीं है, तो उस केस में Lagrangian जो होगा, Lagrangian equation of motion के अंदर, वो L equal to T minus V होगा. Here U is called the generalized potential. So U हमारा generalized potential है. Here we end our lecture. In this lecture, we have studied about Euler-Lagrangian equation of motion, Lagrangian equation of motion of the second kind, and the properties of kinetic energy function. So, goodbye.